दोस्तों इमेजिन करो एक आम का बगीचा है जिसमें ढेर सारे मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें से अनलिमिटेड आम तोड़ सकते हो। सो आप क्या करते हो कि आप एक आम तोड़ते हो और उसे खा लेते हो, फिर थोड़ी देर बाद एक और आम तोड़ते हो और उसे भी खा लेते हो। इसी तरह कुछ आम खाने के बाद आपका पेट और मन भर जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार कुछ घर के लिए भी ले जाता हूँ, इसलिए आप थोड़े और आम तोड़ने लगते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे नीचे के सारे आम खत्म हो जाते हैं। इस समय तक आपके पास काफी आम हो जाते हैं और आप सोचते हो कि यार पेड़ों के ऊपर कौन चढ़े, कौन इतनी मेहनत करे, और आप वहां से चले जाते हो। फिर एक स्मार्ट आदमी आता है और आपको कहता है कि यार मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पास उस आम के बगीचे से अनलिमिटेड आम तोड़ने की परमिशन है, तो मेरे पास एक आइडिया है। देखो तुमने अपने लिए सफिशियंट आम तो तोड़ ही लिए हैं और मुझे मालूम है कि तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए उस बगीचे में लगे सारे आमों को तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हर एक किलो आम के बदले 10 रुपए दूंगा। आपको उसका ये आइडिया पसंद आता है और आप उस आदमी की बात मान जाते हो और जिन पेड़ों पर पहले आप चढ़ने से कतरा रहे थे अब मजे मजे से चढ़ जाते हो और आमों को तोड़ने लगते हो। आप सारे आम तोड़ के उस आदमी को दे देते हो और बदले में वो आपको 1 किलो आम के बदले 10 रुपए दे देता है। वो आदमी फिर एक गाड़ी वाले को पैसे देता है और सारे आम मंडी में पहुंचा देता है। मंडी में वो उन्हीं आमों को 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता है और बिना कोई मेहनत किए 1 किलो आम पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। अब आप कहोगे कि यार इतना बेवकूफ कौन होता है, इतनी छोटी सी बात तो सबको समझ आती है कि आमों को खुद तोड़ के खुद मंडी में बेचोगे तो ज्यादा ही मुनाफा होगा, फिर क्यों हम किसी और को इस बात का कंट्रोल दें। देखो दोस्तों होना तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता और आप इतनी छोटी सी बात को समझते तो आप आज शायद उस जॉब को ना कर रहे होते जिसे आप कर रहे हो और अभी भी एक स्मार्ट आदमी के नीचे उसी काम को ना कर रहे होते जो आप खुद करके खुद के लिए फायदा कर सकते थे, लेकिन आप कर रहे हो बिकॉज आपको इस बात पे यकीन दिलाया गया है कि जिंदगी जीने का यही एक तरीका है, दूसरों के लिए मेहनत करो लेकिन खुद रिस्क मत लो वरना ना जाने क्या हो जाएगा। और आप खुद भी हर महीने बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट को देखने के आदि हो चुके हो और कंपनीज तो चाहती ही हैं कि आप इसी तरह से सोचते रहो, वो तो जानबूझ के आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाती हैं ताकि आप उनके लिए काम करते रहो और कभी ये ना सोचो कि आप खुद भी आम बेच के उनकी तरह मुनाफा कर सकते थे। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा था कि किसी का बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि आप खुद के छोटे से मालिक बन जाओ। तो दोस्तों अगर आपके पल्ले मेरी बातें पड़ रही हैं और आप इस ट्रैप को समझ रहे हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और वीडियो को ध्यान से देखो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आप कॉन्फिडेंटली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और साल का 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमाना शुरू कर पाओगे। और चिंता मत करो क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें यूं ही कहीं से उठाई नहीं गई हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान से सोर्स की गई हैं जिसने खुद 1 या 2 नहीं बल्कि 7-7 मिलियन डॉलर्स की कंपनीज बनाई हैं। और इससे भी कमाल की बात ये कि इन 7ों बिजनेसेस को उन्होंने 1 साल के अंदर खड़ा किया है, जिनमें से 3 कंपनीज तो ऐसी हैं जो 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू करती हैं। तो फिर चलिए दोस्तों सीखते हैं इसी भले इंसान से जिसका नाम है डेनियल प्रिस्टले। अच्छा दोस्तों एक ऐसे आदमी के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है जिसने 1 साल में 7-7 मिलियन डॉलर्स की कंपनीज बनाई हो? यही ना कि ये आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसके पास कोडिंग, वेब डिजाइनिंग जैसे बड़ी बड़ी स्किल्स होंगे। लेकिन दोस्तों डेनियल एक बड़ी ही शॉकिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ खास आता जाता नहीं है, मेरे पास टेक्नोलॉजी से जुड़े कोई फैंसी स्किल्स नहीं है, बस एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसके सहारे मैं ये मिलियन डॉलर्स की कंपनीज बना पाया हूँ। एक्चुअली डेनियल क्योंकि एक ऑथर हैं और शुरू से काफी सारी बुक्स भी पढ़ते रहे हैं, इसीलिए बुक्स को पढ़ते पढ़ते उनका बिजनेस को लेके नॉलेज बहुत अच्छा हो गया है। और ऐसे ही फिर उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी बनाया है जिसको वो नाम देते हैं केओस फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क से वो कहते हैं कि आज वो साल का मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों जो मैंने पढ़ा और रिसर्च किया उसमें केओस फ्रेमवर्क के बारे में ऑथर ने काफी एडवांस लैंग्वेज में समझाया हुआ है जिसे एक आम इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में से एकदम सिंपल करके समझाऊंगा अपनी सादी भाषा में ताकि एक 12 साल का बच्चा भी इसे इजिली समझ पाए। दोस्तों मेरे इस एफर्ट के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आइए इस केओस मेथड को समझते हैं मोंटी की सहायता से। मोंटी एक ओबीस लड़का था, उसका खान पान बड़ा अनहेल्दी था जिस कारण उसका वेट बहुत बढ़ गया था। उसके बढ़े हुए वेट के कारण सभी उसको बुली करते थे, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मोंटी कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ था और स्नैक्स खा रहा था कि तभी उसी के कॉलेज के कुछ लड़के आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब मोंटी ने इस बुली पर आवाज उठाई तो उन लड़कों ने मोंटी को खूब पीटा, इतना पीटा कि उसकी नाक से खून बहने लगा। इस इंसिडेंट के बाद मोंटी डरा डरा और सहमा सहमा रहने लगा। उसने घर पे भी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि फिर उसके पेरेंट्स उसे कॉलेज से निकलवा लेते, लेकिन मोंटी पढ़ाई भी छोड़ना नहीं चाहता था। अब मोंटी के पास
केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो इस बुली को यूं ही सहन करता रहता या फिर खुद को बदलता, अपनी खराब खाने की आदत को छोड़ता और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता ताकि अपने वेट को कम कर सके और साथ ही स्ट्रेंथ भी गेन कर सके। मोंटी ने भी दूसरा रास्ता चुना, उसने हेल्दी डाइट लेना शुरू करी और वीक में 5 से 6 दिन रेगुलरली जिम जाने लगा, जिस कारण एक ही साल में मोंटी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। ना केवल उसकी बॉडी फिट हुई बल्कि वो काफी कॉन्फिडेंट भी महसूस करने लगा। पहले जो लोग उसको बुली किया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लड़के उसकी सक्सेस से जलते हैं। लेकिन मोंटी यहीं पे नहीं रुका, उसे ऐसा महसूस हुआ कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था यानी बढ़े हुए वेट की, यही प्रॉब्लम ना जाने हमारे देश में कितने ही लोग और फेस कर रहे होंगे, तो अगर मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊं तो कितना अच्छा होगा और इससे मैं एक बिजनेस भी रेडी कर सकता हूं। एट दिस पॉइंट मोंटी को अपना विजन और मिशन मिल चुका था, बस फिर मोंटी ने ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा आइडिया ढूंढने लगा जिससे वो दूसरों की मदद भी कर सके और एक बिजनेस भी बना सके। उसने 10 आइडियाज एक बोर्ड पे लिखे, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसने रिजेक्ट कर दिए, बट एक आइडिया उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये एक ऐसा आइडिया था जिसके बारे में मोंटी पैशनेट था और जिसके लिए कस्टमर्स भी मिल सकते थे और साथ ही इस आइडिया से पैसे भी कमाए जा सकते थे। ये आइडिया था पर्सनलाइज कोचिंग का। मोंटी को लगा कि उसका जो फिटनेस का नॉलेज है, अगर वो इसे दूसरों के साथ शेयर करेगा तो इससे दूसरों का फायदा होगा और वो इसे लेवरेज भी कर पाएगा, और इस तरह उसका केओस का सी यानी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बारी आती है केओस के सेकंड लेटर यानी कि ए की, जिसका मतलब है ऑडियंस। देखो मोंटी को अब तक ये तो पता चल चुका था कि उसे पर्सनलाइज कोचिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, लेकिन करने किसको हैं और जिनको करने हैं उनको लाना कहां से है और कैसे लाना है ये भी फाइंड करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि देखो आइडियाज तो सबके दिमाग में होते हैं एंड आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी कोई ना कोई आइडिया चलता रहता होगा, लेकिन आप अभी भी जॉब कर रहे हो इसका मतलब है कि आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हो, और मैक्सिमम लोग यहीं पे मात खा जाते हैं, या तो वो अपने आइडियाज को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करते या फिर गलत ढंग से कर देते हैं, जिस कारण फिर वो फेल हो जाते हैं। इसलिए राइट टाइम पे राइट ऑडियंस के सामने होना ही कामयाबी की कुंजी है यानी कि की टू सक्सेस है। तो ऑडियंस लाने के लिए मोंटी सोशल मीडिया जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। वैसे तो उसके आसपास भी काफी सारे लोग हैं जो आउट ऑफ शेप हुए पड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि वो अनफिट हैं या उनका शरीर आउट ऑफ शेप हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर इनफ मोटिवेशन या मैं कहूँ कि इंस्पिरेशन नहीं है खुद को चेंज करने की। इसलिए मोंटी पहले लोगों को इंस्पायर करना शुरू करता है, ऐसे लोगों को जिसकी पोटेंशियल ऑडियंस बन सके, और ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है। इसलिए उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फिटनेस की वीडियोस पब्लिश करना शुरू कर दी, जिससे लोग उसकी फिजिक और उसके हार्डवर्क से थोड़ा इम्प्रेस होने लगे। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बनने लगी जो उसको रेगुलरली देखने लगी और उसकी एडवाइजेस को भी मानने लगी। देखो एक लॉयल ऑडियंस बनाना कोई इजी काम नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा काम है ये, और यही काम किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर चाहे एक छोटा सा एंटरप्राइज ही क्यों ना हो, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना सबसे मुश्किल टास्क है, तभी तो आप देखते हो कि ब्रांड बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे इतना खर्चा कर देते हैं। बट वंस आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाओ तो समझ लो आपने एक मेजर टास्क कंप्लीट कर लिया है, एंड मोंटी भी काफी मेहनत मशक्कत के बाद एक डिसेंट ऑडियंस बना पाने में कामयाब हो जाता है। अब बारी है इस ऑडियंस को अपना कस्टमर बनाने की, जिसके लिए मोंटी केओस के थर्ड लेटर ओ का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है ऑफर। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो बताओ दो फूड आउटलेट्स हैं, लेट्स से फूड आउटलेट नंबर 1 एंड फूड आउटलेट नंबर 2। जो फूड आउटलेट नंबर 1 है उसमें कस्टमर्स को टेस्टी फूड सर्व किया जाता है और हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये लोग कभी कोई ऑफर नहीं देते। वहीं आउटलेट नंबर 2 में डिसेंट सा टेस्टी खाना बनाया जाता है, नंबर 1 से थोड़ा कम ही टेस्टी होता है लेकिन डिसेंट होता है और हाइजीन भी एवरेज रहती है, लेकिन वो टाइम टू टाइम ऑफर्स निकालते रहते हैं, जैसे कि एक पे एक फ्री का ऑफर या फिर फैमिली के लिए स्पेशल ऑफर एटसेट्रा। तो बताओ इनमें से किस वाले आउटलेट पे ज्यादा लोग आते होंगे? जाहिर है नंबर 2 पे ज्यादा लोग आते होंगे, क्योंकि देखो हम इंडियंस हैं और सब्जी के साथ अगर हमें धनिया फ्री में ना मिले तो हम सब्जी तक नहीं खरीदते, और केवल इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश के लोग हों ऑफर्स सबको अट्रैक्ट करते हैं। बिग बिलियन डे सेल हो या ब्लैक फ्राइडे सेल, ये सारे ऑफर्स ब्रांड्स इसीलिए निकालता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए सेल्स को बूस्ट करने के लिए ऑफर्स बहुत जरूरी होते हैं। मोंटी ने भी इस टैक्टिक का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने ऑडियंस को अपना कस्टमर बना सके, जिसके लिए उसने पहले कुछ वीडियोस बनाई जिसमें उसने बताया कि आप मेरे फिटनेस प्रोग्राम में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। फिर जब लोगों ने उसमें फ्री में एनरोल किया तो उसने उनको फिर अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ खींचना शुरू किया, जो था पर्सनलाइज्ड फिटनेस कोचिंग का, यानी कि इंडिविजुअल्स की नीड्स के हिसाब से क्राफ्ट किया हुआ फिटनेस प्रोग्राम, और फिर उसने इसके बदले चार्जेस लेना शुरू किया। अब क्योंकि लोग उसके फ्री के फिटनेस प्रोग्राम से इम्प्रेस हुए थे, तो लोगों के उसके कस्टमर्स बनने के चांसेस एट दिस पॉइंट काफी हाई हो चुके थे। लेकिन ट्रस्ट मी, इतने में ही बात नहीं बन जाती, सेल्स को क्लोज भी करना पड़ता है, अदरवाइज लोग फ्री का मॉडल देख के ही वापिस हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक नई शॉप जब खुलती है तो शॉप ओनर्स पहले दिन फ्री में कुछ चीजें बेचते हैं और लोगों की फ्रीबीज लेने के लिए भीड़ भी लग जाती है, लेकिन जैसे ही ऑफर खत्म होता है तो दुकान में सन्नाटा पसर जाता है, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्रीबीज की तरफ
लोगों को अट्रैक्ट करना तो काफी इजी होता है, लेकिन उन्हीं लोगों की जेब से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल, और इंडिया जैसी मार्केट में तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको केओस के फोर्थ लेटर एस यानी सेल्स को भी समझना होगा। ऐसा माना जाता है कि सेल्स दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है। इसमें जो एक बार महारत हासिल कर ले तो वो फिर कभी मात नहीं खाता। तो देख लेते हैं मोंटी ने लोगों को सेल्स की तरफ कैसे खींचा। उसने तीन चीजों का इस्तेमाल सेल्स पिच के दौरान किया, नंबर एक लॉजिक, नंबर दो इमोशंस और नंबर तीन अर्जेंसी। उसने सबसे पहले लोगों को बताया कि अगर आप अनहेल्दी खाने को हेल्दी खाने से रिप्लेस कर देते हो और डेली मेरे फिटनेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप अपने हार्ट डिजीज के चांसेस को 21% तक रिड्यूस कर सकते हो, और इस पिच में है लॉजिक। देन फिर मोंटी अपनी ऑडियंस को कहता है कि देखो, अगर आप मेरा फिटनेस प्रोग्राम लेते हो और आपकी बॉडी फिट हो जाती है, जिसकी मैं गारंटी देता हूँ, तो आप एक लीन मशीन दिखने लगोगे और आप ओपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाओगे। लड़कियां आप पे मरेंगी, या फिर सेम चीज लड़कियों के लिए कि लड़के आप पर लट्टू होंगे। उसकी स्पीच में इमोशंस छिपे हुए हैं, वो लोगों को अच्छा महसूस करवा रहा है। देन लास्टली वो अर्जेंसी क्रिएट करता है ये कह के कि देखो, मेरे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, मैं सभी को कोच नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, इसलिए जल्दी से जल्दी इनरोल कर दो, ये वन टाइम ऑफर है, आपको ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिल पाएगा। एंड इस तरह मोंटी सेल्स को क्लोज करता है। अब मान लो मोंटी ने अपने प्रोग्राम का प्राइस 1000 रुपीज रखा हुआ है, तो उसे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 10,000 कस्टमर्स को ये सेम प्लान बेचना होगा, जो कि कोई बेतुका सा नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अचीवेबल ना हो। ये नंबर एक साल में मोंटी इजीली अचीव कर सकता है, बट मेहनत और डेडिकेशन तो रिक्वायर्ड रहेगी ही। दोस्तों, आप भी ऑथर डेनियल द्वारा बनाए इस केओस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और उस 9 to 5 के घिसे पीटे लाइफस्टाइल से छुटकारा पा सकते हैं। नाउ दोस्तों, मैं इस केओस फ्रेमवर्क को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। केओस फ्रेमवर्क उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर्स हैं या जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके फर्स्ट लेटर सी का मतलब है कंसेप्ट। इसमें आपका पैशन, आपका विजन और मिशन आएगा। देन सेकंड लेटर है ए यानी ऑडियंस। इसमें आपको अपने बिजनेस के लिए राइट ऑडियंस को क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड लेटर है ओ यानी कि ऑफर। ऑफर्स जैसे कि आप जानते हो लोग पसंद करते हैं, और ये सेल्स को बूस्ट करने के लिए एक अच्छी टेक्टिक है। देन फाइनली नंबर 4 आता है, विच इज केओस का एस, जिसका मतलब है सेल्स। सेल्स को क्लोज करने के लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा। अगर आप एक बार इंसानों की सही नब्ज को पकड़ने में कामयाब हो गए तो आप सेल्स भी क्लोज कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के दिल बहुत खुश होता है। इसे हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए और अच्छा और नया कंटेंट हमेशा लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।